दोस्तों आज हम साइरोटेक मॉडम की प्रोग्रामिंग करना सीखेंगे। ये एक फाइबर बेस पे चलने वाला मॉडम है। तो ये दो मीडिया पे काम करता है। एक तो है GEPON, इसका मतलब है GEPON का मतलब है गीगाबाइट पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क, और एक है ONU ऑप्टिकल नेटवर्क यूनिट। तो हमें डायरेक्ट इससे फाइबर से जोड़ते हैं तो ये ONU यूनिट बन जाती है, ऑप्टिकल नेटवर्क यूनिट, और जब हम ईथरनेट इनपुट देके चलाते हैं इसको तो GEPON नेटवर्क बन जाता है ये। तो हम इसको फाइबर ही देते हैं डायरेक्ट। और इसकी एक दूसरी पहचान ये है, जैसे कि हमने मल्टी फाइबर है हमारे पास, तो फाइबर कौन सा है उसे ट्रेस करने के लिए जैसे ही हम पीछे इसके पोर्ट दे फाइबर पोर्ट दे रखा है EPON PON के नाम से ये पोर्ट दे रखा है नीला वाला ब्लू, इसमें हम फाइबर को जोड़ेंगे तो ये लॉस जो आगे आ रहा है रेड ये आपका बंद हो जाएगा। तो समझ लो आपने टारगेटेड फाइबर को ट्रेस कर लिया है, और ये आ रहा है तो इसका मतलब फाइबर आपने गलत लगाया है, उसे चेंज करो। तो आज हम इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। इसमें चार एंटीना है, ये इसकी वाईफाई नेटवर्क को थोड़ा स्ट्रांग प्रदान देते हैं, और इसमें 2G 2.5G वाईफाई है, एक 5G भी है, दो बैंड के इसके वाईफाई नेटवर्क इसमें मिलते हैं हमें। तो सबसे पहले हम इसको लोकल एरिया नेटवर्क से इसकी IP बदलेंगे। इंटरनेट में गए, एडेप्टर सेटिंग में यहाँ हम बदल देंगे इसकी IPTC वर्जन 4 में जाएंगे, ये इसकी IP बदल देंगे। तो ये जो IP हम इन्हें हटा देंगे सबको, इसकी हम IP डालेंगे 192.168.1.5, और ये सबनेट मास्क खुद ही ले लेता है। इसको ओके करेंगे, क्लोज करेंगे, उसके बाद हम ब्राउजर खोलेंगे। ब्राउजर पर क्लिक किया, यहाँ IP डालेंगे इसकी 192.168.1.1, इसकी ब्राउजर IP है। जैसे ही हम इसको डालेंगे, अभी हमने जोड़े इसको इथरनेट केबल से जोड़ते हैं PC को, उसके बाद ये खुलता है। इसमें यूजर नेम में हम डालेंगे एडमिन, ADMIN, और इसके यूजर नेम और पासवर्ड इसके बैक साइड में लिखे हुए हैं। देखो ये लिखे हुए यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड है Syro@4320$। तो ये हमें टाइप करना है, ये हमने ये डाल दिया। अब लॉगिन करेंगे, ये हमने मॉडम को जोड़ दिया। इसमें ब्राउजर IP ये 192.168.1.1 डाल के पासवर्ड ये डाले, उसमें यूजर नेम और ये साइरो ये वाले Syro@4320$। अब लॉगिन हो गया, उसके बाद ये नए पासवर्ड के लिए कह रहा है कि create new password। तो हमने इसमें न्यू पासवर्ड में एडमिन डाल दिया, ADMIN एडमिन, कन्फर्म पासवर्ड भी एडमिन डाल दिया, सबमिट कर दिया। 6 digit के मांग रहा है ये, तो हम इसमें हमारे फ़ोन नंबर ही डाल रहे हैं 900-1199। अब हो गए, अब हम इसमें पासवर्ड डालते हैं दोबारा, ये प्रोसेस कई बार करनी पड़ती है। या नेटवर्क में वैन खोलेंगे, ये हम नेम लिखेंगे इसका, ये सेलेक्ट करना है इसमें नेम में TR0 69R, ये सेलेक्ट किया, ये रूट पे ही रखना है, ये IP वर्जन 4 पे रखना है, ये DHCP पे रखना है, इनेबल VLAN
VLAN इनेबल है और नीचे इनेबल्ड इस फॉरेन टनल, इसमें कुछ नहीं करना है हमें। ये यहाँ इंटरनेट करना है हमें सर्विस मोड में, सर्विस मोड में जाके हमें ये इंटरनेट सेलेक्ट करना है। नेट में हम लाइन वन करेंगे, यहाँ नेट वन, इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट सक्सेस का मैसेज आ गया। अब हम चलेंगे लैन में, लैन में हमें कुछ नहीं करना, उसके दिखाई की हमारी सिक्योरिटी में, सिक्योरिटी में एक बार नेटवर्क नहीं चलेगा, 2G 2.4G में, इसमें हम अपना वाईफाई का नाम रख देंगे जैसे टेस्ट रूम रख लिया। ये हम ऑटो पे रखेंगे, चैनल यहाँ सेट भी कर सकते हैं कितने मोबाइल जुड़े हैं इससे। यहाँ ये पासवर्ड है इसके, पासवर्ड आप बना लो, ये हम पासवर्ड हमारे ही डालेंगे। ये पासवर्ड हो गए और सबमिट कर दो। मोबाइल नंबर अपना, हाँ ये तो अभी दो नेटवर्क है ना इसमें, ये 2.4 GHz वाले वाईफाई की, अब ये 5G की है इधर, अब 5G की हम ऐसे ही पासवर्ड ये डाल देंगे। इसका नेटवर्क आईडी, ये नेटवर्क नेम रख सकते हैं हम, क्या रखेंगे वही अपना, तो 5G रख दिया। इसमें भी हम यूजर कंट्रोल कर सकते हैं कितने जुड़े, और इसके पासवर्ड यहाँ हम सेट कर देंगे। यही है, फिर हम इसको सबमिट कर देंगे। ये हो गया, बस हो गया। वैन लैन और इसमें वैन ही करनी होती है दरअसल में, तो वैन में जाके वैन में ही करना होता है हमें। जैसे ये किस मोड में रहेगा, हैं लैन में भी तो किए, इंटरनेट कर दिया, ब्रिज मोड में है ये, इसमें अपने ने लाइन में सिर्फ दो चेंज किए हैं, एक तो यहाँ सिलेक्शन करना होता है ना, और ये रूट मोड कौन सा रखेंगे हम, और ये वर्जन तो ये रहेगा DHCP पे करेंगे, और नेट किया था, और ये इंटरनेट, यहाँ ये मैं ये इंटरनेट करना होता है, और बस सबमिट कर देना। इसमें बहुत आसान है, इसको ज़्यादा कुछ है नहीं करने के लिए।